हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप 2022 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा नमीबिया और नीदरलैंड के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको इनका बैटिंग ऑर्डर, फाइनल टीम, आफ्टर टॉस मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे आप मैच के बारे में, तो ये जो मैच है 9:30 बजे स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में मैच खेला जाएगा साइमंड्स स्टेडियम गिलोंग, ऑस्ट्रेलिया में मैच होगा, जहां पर पहले दो मैच हुए थे ना वहीं पर ये मैच होगा। और ये जो विकेट है ना, ये बैटर्स को तो मदद करता ही है, लेकिन साथ के साथ यहां पर बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, और बॉलर्स में भी दोनों, यानी कि स्पिनर्स को भी मदद है यहां पर और फास्ट बॉलर्स को भी मदद है। एवरेज स्कोर 140-160 बनता है। पहले जो दो मैच हुए थे उनमें से एक जीता था बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक मैच चेज हुआ था। चेज करना थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखना है बात। जो दो मैचेस यहाँ पर हुए थे ना उसमें आप देखो, फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट फास्ट को मिले थे, स्पिनर्स को 4 विकेट मिले थे। सेकंड इनिंग में फास्ट को 11 विकेट थे, स्पिनर्स को 5 विकेट थे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को थोड़े से ज़्यादा विकेट मिले थे एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। अब बात करें इन दोनों टीमों की, तो इन दोनों टीमों के बीच में आज दिन तक 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 जीते हैं नमीबिया ने और 2 जीते हैं नीदरलैंड ने। मतलब टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। पहले बात करेंगे नीदरलैंड की टीम की। नीदरलैंड की टीम अपना पहला जो मैच थी जीती थी, काफ़ी क्लोज मुकाबला हुआ था लेकिन जीत गई थी इनके टीम। इनकी तरफ से ओपन किया था विक्रमजीत सिंह और उनके साथ में आए थे मैक्स ओ डाउड। पहले बात कर लेते हैं विक्रमजीत सिंह की। अब देखो, इसने ना पहले मैच में 2 बहुत तगड़े शॉट्स लगाए थे, लेफ्ट हैंड बैटर है ये, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए थे, लेकिन उसके बाद में आउट हो गया था। आज के दिन का जीएल का और स्मॉली का ट्रंप बन सकता है विक्रमजीत सिंह, क्योंकि भले ही इसके देखो करियर में 4 मैच में 29 रन हो, लेकिन पहले 2 मैच में बहुत अच्छा खेला था। और ODD का आप इसका रिसेंट फॉर्म भी देख लो, 65-50-31, तो अच्छे फॉर्म से भी आ रहा है। मैक्स ओ डाउड ने 23 रन किए थे, हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड अच्छा है। नमीबिया के खिलाफ 2 मैच में 91 रन है, और पहले मैच में भी अच्छे टच में नजर आ रहा था, इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आएंगे ऐसे बस डी लीड है, पहले मैच में 14 रन 3 विकेट थे 3 ओवर डाल के, हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है, करियर में 24 मैच में 531 रन 17 विकेट है, काफ़ी तगड़ा प्लेयर है ये। कोलिन एकरमन ने यहाँ पर पहले मैच में 17 रन किए थे, हेड टू हेड में 1 मैच में 35 रन 1 विकेट है, करियर में 15 मैच में 317 रन 6 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म 85 1 विकेट 72 2 विकेट 3 नॉट आउट और 9 बैटिंग है। फिर आएंगे ऐसे टॉम कूपर, जो कि नंबर 5 पर आए थे, 8 रन इन्होंने सिर्फ किए थे, करियर में 26 मैच में 560 रन 26 का 3 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म 3 9 2 26 18 का रहा है। स्कॉट एडवर्स टीम के कप्तान है, बहुत मतलब रिलायबल बैटर है ये, जब भी इस पर मौका आता है ना तो एक काम करता है। 16 नॉट आउट किया था इन्होंने, हेड टू हेड में 2 मैच में 30 रन है, रिसेंट फॉर्म 26 7 20 26 15 है। फिर आएंगे ऐसे आर वेंडर मरवे भी एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, पहले मैच में 1 विकेट था 3 ओवर डाल के, करियर में आप देखोगे 47 मैच में 460 रन 55 विकेट है, और हेड टू हेड में 2 मैच में 13 रन 1 विकेट है, तो बढ़िया रिकॉर्ड है इसका भी। टिम प्रिंगल ये भी एक बहुत तगड़ा स्पिनर है भाई, पहले मैच में 15 रन भी थे और 1 विकेट इसके नाम था, 8 मैच में 30 रन 5 विकेट है करियर में, और रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 9 बैटिंग है। लोगन वेनविक पहले मैच में 2 ही ओवर डाले जिसमें 19-20 रन चले गए, फिर इसने बॉलिंग नहीं करवाई थी। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है और T20I में 18 मैच में 18 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे पॉल वेन मिकरिन, ये भी विकेट लेस रहे थे हेड टू हेड में इनके नाम, लेकिन 1 मैच में 3 विकेट है, ध्यान रखना बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नमीबिया के खिलाफ, करियर में 51 मैच में 53 विकेट है। फ्रेड क्लासन की बात करूँ तो पहले मैच में 2 विकेट इनको मिले थे और हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, करियर में 30 मैच में 34 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से ना पिक करने वाला हूँ अपनी टीम में, मैक्स ओ डाउड को रखूँगा, बस डी लीडे को रखूँगा, स्कॉट एडवर्ड्स को रखूँगा, और नीचे से मैं टिम प्रिंगल और फ्रेड क्लासन को रख रहा हूँ। अब इसके अलावा एक और प्लेयर अगर आपको रखना है ना तो आप पॉल वेन मिकरेन को रख सकते हो, क्योंकि इसका रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छा है और ये अच्छी बॉलिंग करवाता है, डेथ में भी आएगा। बेंच पर जो भी इनके प्लेयर हैं इनमें से अगर कोई खेलते हैं तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालते हैं, फ्रेड क्लासन, टिम प्रिंगल और लोगन वेन बिक। डेथ के ओवर डालेंगे यहाँ से फ्रेड क्लासन, बस डी लीडे, पी वेन मिकरन और
आर वेंडर मरवे। अब बात करेंगे दूसरी टीम की यानी कि नमीबिया की टीम की। नमीबिया की टीम ने तो आपको पता ही है भाई, बहुत बड़ा सेटबैक दिया था यहाँ पर। श्रीलंका को इन्होंने हरा दिया था पहले मैच में, ओपन किया था इनकी तरह से माइकल वैन लिंगन और डिवान लेकॉक ने। तो पहले बात करेंगे माइकल वैन लिंगन की, 3 रन करके आउट हो गया था। करियर में 11 मैच में 138 रन है, हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैटा है और रिसेंट फॉर्म 35-8-0-26 है। डिवान लेकॉक की बात करूँ, 9 रन इसने किए थे करियर में, 24 में 4 मैच में 98 रन है और रिसेंट फॉर्म 4-16-13, तो उतना कोई खास फॉर्म है नहीं। जेन निकोल लॉफ्टी ईटन है, इन्होंने यहाँ पर 20 रन किए थे। अच्छी पारी थी इनकी, हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट है और करियर में 20 मैच में 164 रन, 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 13 रन, 2 विकेट, 51 रन, 0 विकेट, 2 रन, 1 विकेट और 15 रन है। फिर आएंगे ऐसे स्टेफन बराड की अगर मैं बात करूँ तो 26 रन इन्होंने भी यहाँ पर पहले मैच में किए थे, हेड टू हेड में 1 मैच में 19 है, करियर में 26 मैच में 691 रन है। स्टेफन बराड एक अच्छा प्लेयर है। ग्रेट एरिस्मस टीम के कप्तान, पहले मैच में 20 रन किए, पार्ट टाइम 1 ओवर भी डाला, विकेट इसको मिला नहीं। हेड टू हेड में 2 मैच में 40 रन है और करियर में 39 मैच में 947 रन, 33 का एवरेज, 19 विकेट है। जेन फ्राइलिंग कहेंगे यहाँ पर 44 रन, 2 विकेट थे पहले मैच में, मैच विनिंग नॉक थी इनकी। करियर में 36 मैच में 184, 53 विकेट है। हेड टू हेड में आप रिकॉर्ड देखो इनका, 2 मैच में 5 विकेट, बहुत तगड़ी बॉलिंग कराई है। और रिसेंट फॉर्म भी देख लो, 52-1 विकेट, 4 रन, 0 विकेट, 0 रन, 0 विकेट और 26-2 विकेट है। डेविड वीजा 0 रन, 2 विकेट था पहले मैच में, हेड टू हेड में आप रिकॉर्ड देखो, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। 1 मैच 66 रन, 1 विकेट है और करियर में 37 मैच में 387 रन, 40 विकेट है। जे जे स्मिथ भी एक बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, पहले में 31 रन, 1 विकेट था, करियर में 30 मैच में 32 विकेट है और हेड टू हेड में 2 मैच में 19 रन, 2 विकेट है। जेन ग्रीन इनके विकेट कीपर बहुत नीचे आ रहे थे, नंबर 9 पर, और करियर हेड टू हेड में 2 मैच में 21 है, करियर में 33 मैच में 243 है, रिसेंट फॉर्म 11-55-2-16, 9 बैटिंग है। यहाँ से बेर्नार्ड स्लोज हैं जिनके नाम 2 विकेट हैं। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाले हैं क्योंकि सामने वाली टीम में ना राइट हैंडर बहुत सारे हैं, तो आपके लिए बेर्नार्ड स्लोज एक बहुत अच्छा पिक है। 36 मैच में 41 विकेट करियर में है, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है। बेन सिकागो पहले मैच में 2 विकेट मिले थे 1 ओवर में, लेकिन उतनी कोई सिर्फ 1 ओवर अच्छा करवाया, उसके बाद में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी इनकी। अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ स्टेफन ब्राड, ग्रेट रेस्मोस, जेन फ्राइलिंग, डेविड वीजा, जे जे स्मिथ और नीचे से 20 स्लॉज को यहाँ पर पिक करूंगा। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे ग्रेट रेस्मोस, डेविड वीजा, 20 स्लॉज और यहाँ से बेन सिकागो। डेथ के ओवर डालेंगे डेविड वीजा, जेन फ्राइलिंग और जे जे स्मिथ। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करें यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में आप देख सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रख लिया है स्कॉट एडवर्ड्स को, बैटिंग सेक्शन से मैं रखूंगा ग्रेट रेस्मस, स्टेफन ब्राड, मैक्स ओडाउड को, ऑलराउंडर सेक्शन से रखूंगा बस डी लीडे, जे जे स्मिथ, जेन फ्राइलिंग और डेविड वीजा को, और बॉलिंग सेक्शन से रखा है टिम प्रिंगल, फ्रेड क्लासन और बी स्लोज को। कैप्टन मेरे यहाँ से बस डी लीडे हैं, वॉइस कैप्टन मेरे यहाँ से डेविड वीजा हैं। जेन फ्राइलिंग भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी के लिए इन दोनों को कैप्टन वॉइस कैप्टन बना रहा हूँ। इस मैच की जो भी फाइनल टीम होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।